नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। मेरे साथ पोठिया पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे जानेंगे कि इन्होंने 5 वर्षों में अपने पंचायत के लिए क्या क्या कार्य किए। मैं जो सरकार का गाइडलाइन था, सबसे पहले 9 वार्ड में मैं जल नल योजना आरंभ करवा दिया है। 1 वार्ड जो अभी अभी शुरू हुई है उसमें कार्य चल रहा है। 8 वार्ड हमारे यहाँ, 9 वार्ड है, 8 वार्ड में पानी सभी के घर में जा रहा है। और गली नली भी हमारे यहाँ बन रही है। हमारा छोटा पंचायत है, सरकार के क्लस्टर में जो राशि है हमारे यहाँ वो कुछ कम है, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। उसके बाद कोरोना काल में अभी हर घर में जो मास्क, हर घर में साबुन और सेनेटाइज हमने हर घर को किया। कितना मास्क लगभग आपके यहाँ वितरण किया? मेरे यहाँ करीबन 8,000 मास्क वितरण, और साबुन वही 4 से 5 हज़ार के बीच में वितरण हुआ। इसके अलावा आपके पंचायत में बाहर से बहुत श्रमिक आए? बिल्कुल, उनके रहने की व्यवस्था और उन्हें मनरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार? मनरेगा से काम तो शुरू हो गई थी, एक्चुअली में अभी बारिश के वजह से जो है ना काम ब्रेक हो गया है। काम 4-5 योजना चल रही थी, सारे प्रवासी मजदूर ही काम कर रहे थे उसमें, लेकिन अभी सरकार का गाइडलाइन आ गया है कि अभी जो है कच्ची काम नहीं होगा, और अब आप पक्की काम अभी कर सकते हैं। लेकिन हमारे रोजगार सेवक को जो है कोरोना पॉजिटिव होने के कारण थोड़ा काम खुल नहीं पा रहा है, उसमें अभी 5 दिन समय है। आपके पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या? हमारे यहाँ मुख्य समस्या जो है वो सिंचाई का है। इस बार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खेत में ट्रांसफार्मर और बिजली की जो व्यवस्था की जा रही है उससे तो कुछ राहत है, लेकिन नदी से जो पानी हमारे यहाँ आती थी वो बंद है। इसलिए, और ये ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर इलाका है, मुफस्सिल क्षेत्र है, यहाँ लोग खेती करते हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ लोग खेती पर निर्भर हैं और सिंचाई बाधित है। बहुत दिन पहले नदी में नाबार्ड योजना से जो है छिटका बना था वो टूट गई। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, विधायक महोदय ने विधानसभा में भी क्वेश्चन किए, हमारे राज्यसभा सांसद कैसा प्रवीण जी ने भी इस बात को उठाए थे, लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहा है। स्वास्थ्य की क्या? यहाँ रेंट पे जो है अस्पताल चल रही है अभी, रेंट पर और हमारे यहाँ एक 80 लाख का अस्पताल बना हुआ है, उसका जो है उद्घाटन नहीं हो पा रही है ये कोरोना के लेके। इसके अलावा बिल्डिंग बन के तैयार है। आप पूरे 4.5 साल में आपने कोई पंचायत में ऐसा कार्य किया होगा जो कि जनता पूरी जिंदगी उस चीज को याद करेगा, ऐसा कोई कार्य? बिल्कुल, अस्पताल बनाने में हमने बहुत योगदान दिया है। इसके अलावा हमने पब्लिक को जागरूक करके जो है किसान को पानी का बचाव करने के लिए, किसान को खेती किस प्रकार करना चाहिए जो कि कम पानी में, हमारे कम सिंचाई में हमारे खेती जो है अच्छी तरह से हो, और स्कूल जो हमारे यहाँ वो मैट्रिक तक थे, हमने जो है RDD साहब से मिलके, शिक्षा मंत्री से मिलके हमने +2 कराने का काम किया है। आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल 80 लाख का बना, यह हॉस्पिटल बनने में विधायक का क्या योगदान? विधायक जी का उसमें बीच में कुछ समस्या आई थी जमीन को लेकर, उसमें उन्होंने मदद की है। विधायक जी ने मदद की, विधायक जी के कार्यों से इस क्षेत्र के लोग खुश हैं? देखिए, जनता जो है ना 2 पक्ष की है, पक्ष और विपक्ष। जो पक्ष में है वो खुश है, जो पक्ष में नहीं है वो खुश नहीं है। कोरोना काल में विधायक जी के द्वारा कोई कार्य किया? जी, सैनिटाइज कराया गया और जो प्रवासी लोग थे उनको राहत पैकेट दिया गया। इसके अलावा कोई काम?
इसके अलावा जो गरीब लोग थे, विकलांग थे, उनके घर में भी राहत का पैकेट दिया गया। आप सरकार से क्या मांग करते हैं और जो 6 महीने का कार्यकाल आपका बचा है कि कुछ आपको राशि आ जाए या कुछ ऐसी फंड आ जाए जिससे आप उस कार्य को पूरा कर सकें, सभी कार्य मन में सोच के रखें? जी जी, हमारे यहाँ गली नली की समस्या है, क्योंकि हमारी छोटा पंचायत है, जितना पहले पैसा आया वो जल नल में गया, अब जो पैसा आ रही है गली नली में जाएगी, तो सरकार से हमारी मांग रहेगी हमारी गली नली में जो है पैसा ज़्यादा आए, जिसके कारण हम जो है कार्य कर सकें।